नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। एक नजर डालते हैं सुबह की हेडलाइंस पर। धारदार चाकू लेकर दहशत फैलाने वाला युवक पकड़ाया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर समान पुलिस ने न्यू बस स्टैंड शहडोल गेट के पास दबोचा। आरोपी अरमन अंसारी निवासी चिकन टोला यासीन मस्जिद के पास का रहने वाला। आरोपी के खिलाफ 25 आर्म एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नशीली कफ सिरप बेचने वाली महिला के खिलाफ की कार्रवाई। महिला की दुकान पर दबिश देकर 1870 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद। आरोपी महिला अनीता पटेल पति सत्यनारायण पटेल निवासी लक्ष्मणपुर का कोरेक्स बेचते हुए वीडियो हुआ था वायरल। वही आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत की गई कार्रवाई। पुरानी बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। दोनों की ही शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया काउंटर मामला। सुहागी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीकांत साकेत और संतलाल साकेत के बीच हुआ विवाद। सुहागी थाना क्षेत्र के डी गांव की घटना। शादी का धासा देकर युवती के साथ दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सचिन पांडे निवासी उधवपुरवा थाना महुगंज के खिलाफ दर्ज हुआ दुष्कर्म SC ST एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण। शिकायत करने पर दे रहा था आरोपी जान से मारने की धमकी। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुराया। घटना की सुबह हुई जानकारी। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला। गढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनकाहरी निवासी प्रदीप विश्वकर्मा के घर से चुरा ले गए थे बदमाश सोने चांदी के जेवर और नकदी। शराब पीने के लिए पैसा ना देने पर युवकों ने की मारपीट। विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। गढ़ थाना क्षेत्र के मिथिलेश चतुर्वेदी के साथ सोनू राजेश और संतोष चतुर्वेदी ने की मारपीट। कैथा गांव की घटना। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से हुआ किशोरी का अपहरण। घर न लौटने पर परिजनों ने की थाने में शिकायत। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर शुरू की किशोरी की तलाश। और घर में घुसे युवक ने किशोरी के साथ किया जबरदस्ती दुष्कर्म। परिजनों के घर पहुंचने पर बताई गई घटना। आरोपी किशन पोल निवासी रकरिया के खिलाफ 452, 376, 506 पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज। आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। व्यापारी प्रतिस्पर्धा के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। राजेश वाधवानी निवासी घोघर की शिकायत पर तुलसी वाधवानी सुशील वाधवानी के खिलाफ मामला दर्ज। अमैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत वेंकट बाजार काजी साड़ी सेंटर की है घटना। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। इमरान अंसारी निवासी टिकरा थाना रामनगर एवं मोहम्मद इब्रार हुए घायल। अमैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा राजकपूर फ्लाईओवर के ऊपर हुई घटना। बस में तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलपर अंधेरी पुल के पास विगत दिनों तिवारी ट्रेवल्स की बस के ऊपर युवकों ने की थी तोड़फोड़। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और तेज रफ्तार ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मारी टक्कर। प्राप्ति गुप्ता निवासी नेहरू नगर हुई घायल। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैलाशपुरी लॉ कॉलेज के पास हुई घटना। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल करने वाला जिला बदर का आरोपी निलय सिंह पिता जितेंद्र निवासी पल्हान गिरफ्तार। विगत दिनों फायर करते हुए सोशल मीडिया में वायरल हुआ था फोटो। धुरानाथ में निशुल्क नेत्र शिविर और समरसता भोज का आयोजन। सैकड़ों लोगों का परीक्षण कर दी गई दवाई। 32 को मिली नेत्र ज्योति। क्षेत्र में अंधत्व का अभिशाप मिटाने शिविरों के आयोजन का चलाया जा रहा है अभियान। ऐतिहासिक जय स्तंभ बचाने और युद्ध के विरोध में 41वें दिन भी दीप प्रज्वलन कर सत्याग्रह में कई स्थानों पर जलाए गए दीप। समाजवादी जन परिषद नारी चेतना मंच एवं विद्यांचल जन आंदोलन के तत्वाधान में ऐतिहासिक जय स्तंभ को बचाने और यूक्रेन रूस युद्ध के विरोध में विश्व शांति के लिए जलाए जा रहे दीप। और कलेक्टर SP ने किया हनमना टोल नाके का निरीक्षण। साथ में जिला पंचायत CEO रहे मौजूद। तैनात एम्बुलेंस में दबा और अन्य उपकरणों का अभाव पाए जाने पर लगाई फटकार। आकाश में उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने दिए निर्देश। बिजली की शॉर्ट सर्किट से 2 एकड़ में खड़ी फसल जलकर हुई राख। रीवा जनपद पंचायत के मध्यपुरा गांव में हुई घटना। पुष्पेंद्र सिंह सत्येंद्र सिंह हीरामन तिवारी और दुर्गा प्रसाद तिवारी नाम के किसानों की फसल जलकर हुई राख। और बाइक चोरी के साथ चोर को अमैया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। लाला वर्ग सचिन गुप्ता निवासी पांडे टोला को गिरफ्तार कर पुलिस ने की कार्रवाई। साथ ही चेन स्नेचर विक्की सेन उर्फ TK और अंशुल वर्मा निवासी पांडे टोला को अमैया पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से मोबाइल और नकदी बरामद। फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।